हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आगे एक और नए वीडियो के साथ हूँ। तो चलिए, आज के इस पे हम लोग देखने वाले हैं कि MySQL का जो लेटेस्ट वर्जन रिलीज हुआ है 8.0.33, उसको हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर देखेंगे उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और उसके बाद देखेंगे उसमें हम लोग कैसे डाटाबेस क्रिएट करते हैं या फिर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो लेटेस्ट वर्जन का सेटअप फाइल है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो आ जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में, या आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं जो कि आपको पसंद पड़ता है। तो इसमें सर्च बार में हम लोग सर्च करेंगे माई स्क्वायर। जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो बहुत सारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mysql.com, इस पर हम लोग आ जाएंगे। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसके होम पेज पे हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड मेनू शो हो रहा होगा, तो इस पर हम लोग को क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड मेनू में हम लोग आ जाएंगे। तो इसको स्क्रॉल डाउन करके हम लोग को सबसे नीचे आ जाना है। तो सबसे नीचे में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड, तो इस पर हम लोग को क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग को शो होगा कि हम लोग क्या डाउनलोड करना चाहते हैं। MySQL का जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे अवेलेबल है, आपको जिस चीज़ का ज़रूरत है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम MySQL सर्वर इसमें डाउनलोड करने वाले हैं। तो चलिए MySQL इंस्टॉलर फॉर डाउनलोड जो है यहाँ पे सबसे नीचे में आपको शो हो रहा होगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। तो चलिए क्लिक करते हैं हम। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे इसके डाउनलोड वाले पेज पर। यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन भी हमको शो होने लगा है, और बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिलेक्ट है मेरा। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इस दोनों में से कोई एक डाउनलोड कर लेना है। तो दोनों में से हम कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों काम करेगा। तो लेकिन अगर आप नीचे वाले डाउनलोड करते हैं तो आपको फिर से अपना डाटा खत्म नहीं करना होगा इंस्टॉल करते समय, या फिर अगर आप ऊपर वाले डाउनलोड करेंगे तो आप जब इंस्टॉल कीजिएगा तो जितना भी फाइल है उस टाइम डाउनलोड होगा। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप नीचे वाले को डाउनलोड कर लीजिए ताकि एक साथ सारा फाइल डाउनलोड हो जाए। चलिए हम लोग डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमको लेके आ जाएगा इसके लॉगिन वाले पेज पे। तो अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज नो थैंक्स पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो मेरा डाउनलोड है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये ज्यादा MB का था, इसलिए हम इसको पहले डाउनलोड कर लिए थे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं और चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में और देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। आप इसको पूरा कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मेरे साथ साथ नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जो इसका लेटेस्ट वर्जन है 8.0.3, इसका सेटअप फाइल हम डाउनलोड कर लिए हैं यहाँ पे। तो चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं और रन कर लेते हैं इसको। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम रन कीजिएगा तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ के लिए MySQL को यूज़ करना चाहते हैं। आप अगर सिर्फ सर्वर के लिए यूज़ करना चाहते हो तो सिर्फ सर्वर यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। सिर्फ क्लाइंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो क्लाइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि MySQL का जो भी प्रोडक्ट है वो सारा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फुल पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो आप जैसे ही फुल पे सेलेक्ट कीजिएगा तो क्या क्या इंस्टॉल होगा आपको यहाँ पे शो होने लगा है। तो बाय डिफॉल्ट इसका सर्वर, उसके बाद सेल, MySQL डॉट और वर्कबेंच जो भी है सब इसमें एक साथ इंस्टॉल हो जाएगा। यानी तो आप चाहते हैं कि सारा प्रोडक्ट इंस्टॉल नहीं करे, उसमें से कुछ इंस्टॉल करने के लिए तो कस्टम पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो वैसे हमको जरूरत नहीं पड़ता है कि आप सारे प्रोडक्ट को यूज करें, तो आपको जिस चीज का जरूरत है उसको आप कस्टम पे इंस्टॉल सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम कस्टम सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको क्या क्या चीज का जरूरत है। तो सर्वर हम चाहिए, सर्वर के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो चलिए सर्वर को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एडो पे क्लिक करके इधर लेके आ जाएंगे। तो इधर जो भी रहेगा उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो अब सर्वर तो मेरा आ गया, तो इसके लिए एप्लीकेशन हम लोग कौन कौन यूज करना चाहते हैं। तो वर्कबेंच यूज करना चाहते हैं तो वर्कबेंच ले लेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि वर्कबेंच क्या है तो उस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वर्कबेंच क्या है और ये कैसे काम करता है। तो अगर आप सेल यूज करना चाहते हैं तो सेल यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेलेक्ट करके एरो क्लिक करके इधर लेके आ जाइए। पे इसी तरह से आप चाहते हैं कि राउटर भी यूज करना तो राउटर को सिलेक्ट कर सकते हैं और इधर लेके आ सकते हैं। इसके बाद अगर आप कुछ और चाहते हैं जैसे कनेक्टर्स, कि आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने MySQL को, जैसे कि
सी प्लस से, जावा से, या फिर डॉट नेट से, या फिर पाइथन से, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस ड्राइवर को, और इधर लेके आके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में से एक्सटेंड करके इसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको इस साइड लेके आ जाइए, उसको नेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे। तो हम ये सब अभी नहीं लेके जा रहे हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप सेलेक्ट करके इधर लेके आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडी है सारा इंस्टॉल होने के लिए। तो सिंपल हम लोग इसके बाद एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर देंगे, तो मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा जो स्टेटस है मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग को इसका कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है कि कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है हमको कुछ भी एडिट नहीं करना है। इसका पोर्ट नंबर 3306 है तो वो रहेगा ही, उसको हम लोग एडिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आप लोगों को पासवर्ड सेट करना है कि आपका जो माई स्पेल का है वो पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं। तो जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ से रख सकते हैं, सिंपल नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो पासवर्ड आप एक अच्छा सा रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद फिर से नेक्स्ट बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, अगेन नेक्स्ट, और एग्जीक्यूट कर देंगे। जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किए वो कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो जाए उसके लिए हम एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो चलिए वेट कर लेते हैं जब तक कि ये मेरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो अप्लाई हो गया। तो चलिए फिनिश बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो मेरा जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुका है। तो अब चलिए राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अगेन फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, तो कुछ करना था नहीं यहाँ पे। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब फिनिश बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जो मेरा इंस्टॉलेशन पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने MySQL को, MySQL। तो यहाँ पे हम लोग जो भी पासवर्ड फिल किए थे वो डाल देंगे यहाँ पे और इंटर करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो हम अपने MySQL कमांड प्रॉम्प्ट में है लॉगिन हो चुके हैं। चलिए इसके कमांड्स देख लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट कौन से डेटाबेसेस है इसमें। अभी तो बाय डिफॉल्ट इतने सारे डेटाबेस बना हुआ है, हम चाहे तो अपना खुद का डेटाबेस बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग का क्रिएट कमांड है, तो क्रिएट डेटाबेस, माय डेटाबेस। देख सकते हैं जो मेरा डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया। तो फिर से हम ऊपर वाले कमांड को रन करेंगे, तो देख सकते हैं कि जो हम अभी डेटाबेस क्रिएट किए वो डेटाबेस मेरा बन चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसमें डेटाबेस क्रिएट करते हैं, या फिर और भी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में बात किए हुए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह से हम अगर कोई और वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं।